हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य एंड आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2023 मूलांक दो वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है तो आपका मूलांक दो होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका मूलांक दो है तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नंबर 2 की नंबर 7 के साथ कंपेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। नंबर 2 इज रूल बाय मून एंड नंबर 7 इज रूल बाय केतु, और ये जो नंबर है ये एक ही सिक्के के दो पहलू भी माने जाते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 7 आने की वजह से आप में इस साल और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा जोश आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप निगेटिव या फिर अकेलापन महसूस कर रहे थे, इस साल वो आपका कम हो जाएगा, यानी कि आप निगेटिविटी से अकेलेपन से बाहर आ जाएंगे। और क्योंकि आपका मूलांक दो है इसलिए आप इमोशनल होते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, आप लोगों में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और नंबर 7 जब आपसे जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, इन सब में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो ये साल आप लोगों को स्टार्टिंग में सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, और नंबर 2 एंड नंबर 7 में थोड़े स्टमक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। स्टमक आपका सेंसिटिव होता है, इस वजह से आपके डाइट में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको आपका डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और ग्रीन वेजिटेबल आप ज़्यादा खाएंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हो सके तो आपको बाहर की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है, ऑयली चीज़ें एंड स्पाइसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, नहीं तो आपको इन्फेक्शंस या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको लेट नाइट फूड को थोड़ा अवॉइड करना है, और हो सके तो आपको नॉनवेज खाने से थोड़ा बचना है। अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन साल के बीच में आपको कफ, कोल्ड, स्टमक प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ की बात की जाए तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप लोग अगर सिंगल हैं तो आपको पार्टनर मिलेगा, यानी कि आपके लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है। और अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपको आपके फैमिली से पूरा सपोर्ट भी मिल सकता है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों में लव रोमांस ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये केतु का साल है इसलिए आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी खटपट हो सकती है और थोड़ी तकरार भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, और कोई भी न्यू रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको उनकी रियलिटी एक बार चेक करनी है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों को फ्लर्टिंग करने से थोड़ा बचना है, क्योंकि इस साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकली होकर सोचना है, अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके करियर लाइफ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आपके करियर की तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं तो इस साल आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। आप लोग आर्टिस्ट, राइटर, पोएट या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को इस साल नेम एंड फेम भी ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस साल फिजूल खर्च करने से थोड़ा बचना होगा, अदरवाइज़ आप लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कर पाएंगे। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस साल ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देंगे तो मौका आपके हाथ से निकल सकता है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज सजेस्ट करना चाहूँगी जिससे आपका न्यू ईयर 2023 बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एवरी मंडे आपको हो सके तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और अगर आप ये नहीं भी कर पाए तो आप मंडे के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर व्हाइट आप ज़्यादा यूज़ करें, या फिर व्हाइट कलर का रूमाल भी आप आपके पास रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस कि कैसा रहेगा मूलांक दो वालों के लिए न्यू ईयर 2023। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में या फिर जो भी मूलांक दो वाले लोग हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप मेरी एक भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट कीजिए।
थैंक यू सो मच, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।